सिंघम अगेन का 5 मिनट का ट्रेलर आ चुका है और भाई साहब फिल्म में क्या क्या होने वाला है सब कुछ दिखा ही दिया इस ट्रेलर में। लेकिन ट्रेलर काफी स्ट्रांग निकाला है जहां पर इस मूवी में रामायण की कहानी को अडेप्ट करके इसको एक मॉडर्न टच दिया है जहां पर अजय देवगन लॉर्ड राम है, करीना कपूर माँ सीता है, रणवीर सिंह हनुमान है, अक्षय कुमार जटायु है, टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण है, अर्जुन कपूर रावण है और दीपिका पादुकोण लेडी सिंघम है। आई एम सरप्राइज कि दीपिका पादुकोण को कोई रामायण रेफरेंस नहीं दिया गया है या फिर मैंने कुछ मिस ही कर दिया है। और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में सलमान खान अपने दबंग के चुलबुल पांडे के रोल में हमें नजर आने वाले हैं और ट्रेलर को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि स्केल बहुत ही बड़ा है इस फिल्म का और ये फिल्म फुल ऑन मास कमर्शियल जोन में चली गई है जहां पर ट्रेलर में अगर किसी ने पूरी तरीके से दिल जीता है तो वो है अजय देवगन एस बाजीराव सिंघम। भाई साहब जो ऑरा है इस कैरेक्टर का वो नेक्स्ट लेवल पे है। अजय देवगन जिस तरीके से डायलॉग्स बोलते हैं वो इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग है ना, इसलिए ये दिखाता है कि वो क्यू कॉप यूनिवर्स के बाप है। और जब आप सिंघम के फैमिली को परेशान करते हो ना तो वो तांडव तो जरूर करेगा, जैसे कि हमने इस ट्रेलर में देख सकते हैं। करीना कपूर को देखकर अच्छा लगा कि वो वापस आई है कॉप यूनिवर्स में और पूरी फिल्म इनको बचाने के लिए ही होगी। आई होप कि हमको एटलीस्ट एक सीन तो मिले जहां पर करीना भी एक्शन कर रही है तो और मजा आएगा। फिल्म का इमोशनल साइड करीना एंड दीपिका को ही हैंडल करना है और दोनों फैंटास्टिकली इसको कर सकते हैं। दीपिका की बात करें तो लेडी सिंघम का टैग परफेक्टली उनको सूट करता है। ये कैरेक्टर में कॉमेडी, एक्शन, पागलपन, इमोशंस सब कुछ मौजूद है और दीपिका तमिलनाडु पुलिस से है और दीपिका के एक्शन सीन्स भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आई होप कि दीपिका को एक अच्छा लंबा स्क्रीन टाइम मिला हो उनको प्रॉपरली एस्टेब्लिश करने के लिए। रणवीर सिंह एंड अक्षय कुमार की बात करें तो वो दोनों इस यूनिवर्स की जान है जहां पर हाई चांसेस है कि अक्षय कुमार फिल्म के थर्ड एक्ट यानी क्लाइमेक्स के फाइट में आएंगे और रणवीर सिंह मोस्टली सेकेंड एक्ट से ही अजय देवगन को ज्वाइन करेंगे और इन दोनों की कॉमेडी एक्शन के बीच में हमको हंसाने वाली है। और अगर किसी को सबसे बेस्ट एलिवेशन मिला है तो वो है अक्षय कुमार का कैरेक्टर। रणवीर एंड अक्षय इस बार क्या कमाल करते हैं अपने एक्शन में ये देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है दो कैरेक्टर्स के लिए और वो है टाइगर श्रॉफ एंड अर्जुन कपूर के लिए। पता नहीं रोहित शेट्टी को क्या सूझा कि इतने टैलेंटेड एक्ट्रेस के बीच में इन दोनों को लाने के लिए और वो भी इम्पोर्टेंट रोल्स देने के लिए। टाइगर श्रॉफ एज यूजुअल कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालते हैं इस ट्रेलर में और होपफुली उनका रोल छोटा हो इस फिल्म में तो अच्छा होगा। लेकिन फिल्म में उनको लक्ष्मण का दर्जा दिया गया है जो कि अभी भी कोई सेंस नहीं बनाता है। देखते हैं कि अगर एक्शन में इनको कोई नई चीज करने मिली है कि नहीं जो कि उनके एक्टिंग फ्लॉज को छुपा सके। और अर्जुन कपूर की बात करें तो वो इस फिल्म के विलन है। अब ट्रेलर में उसको देखकर मैं इम्प्रेस्ड नहीं हुआ हूँ। सिर्फ 4-5 लोगों को मारकर आप एक खतरनाक विलन नहीं बन सकते हैं। सोचकर देखो आप सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी एंड लेडी सिंघम के सामने सिर्फ खड़े होने के लिए ही आपको कितना स्ट्रांग विलन चाहिए होगा और ऊपर से उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक टैलेंटेड एक्टर चाहिए जो कि आपके अंदर एटलीस्ट वो डर पैदा कर सके। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी एक्टर की है उतनी ही इसके राइटर्स एंड डायरेक्टर्स की भी है कि उन्होंने कैसे डेवलप किया है इस विलन को, क्योंकि एक फालतू विलन के लिए इतने सुपर कॉप्स की जरूरत नहीं होती है। और सिंघम अगेन ऐसा कर सकता है कि जहां पर विलन की आर्मी को इतना बड़ा बना देंगे कि हमारे सारे सुपर कॉप्स उनसे ही लड़ते रहेंगे और अर्जुन कपूर को सिर्फ वो सस्ते में निपटा देंगे और वो फिल्म में बस ज्ञान देगा और 2-3 फाइट्स करके निकल जाएगा। होपफुली रोहित शेट्टी ये दोनों की कास्टिंग को फिल्म में जस्टिफाई कर पाए। ट्रेलर के टेक्निकल साइड की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर एंड बीजीएम एकदम मजेदार है। मॉडर्न एंड माइथोलॉजी को अच्छे से मिक्स किया गया है। बहुत एनर्जी है उसमें जो कि पूरे ट्रेलर को एंगेजिंग बनाकर रखती है। इसको सुनकर लगता है कि थिएटर्स में तो ये और भी खतरनाक तरीके से सीन्स को एलिवेट करेगा। एक तरफ जहां पर इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी वाइब्रेंट एंड ब्राइट के साथ साथ डार्क एंड ग्रिटी है जो कि देखने में एक्साइटिंग है, लेकिन दूसरी तरफ इसका वीएफएक्स वर्क बहुत जगहों पर 19-20 नजर आता है और क्लियरली दिखता है कि यहाँ पर उसका यूज हुआ है और सही तरीके से उसको ब्लेंड नहीं किया गया है, चाहे वो फायर वाले सीन्स हो या क्लाइमेक्स के सीन्स। होपफुली फिल्म रिलीज होने तक
उसको इम्प्रूव किया जाएगा और वो आंखों को चुभेगा नहीं। बस डर ये भी है कि रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सब डिसअपॉइंटिंग हुए हैं। होपफुली वो इस फिल्म को अच्छे से संभाल लेंगे। और आपने रामायण को टच किया है तो उसको अच्छे से इंटीग्रेट कर दो, बस फोर्सफुल नहीं लगना चाहिए। एक्शन की बात करें तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही वो रोहित शेट्टी वाले टेम्पलेट है। इसमें कुछ कुछ जगहों पर लगता है कि स्केल को और बड़ा किया गया है। अब देखना होगा कि इस बार वो इसको कितना पुश कर पाते हैं हमको नया दिखाने के लिए। ओवरऑल इस ट्रेलर ने मेरे को बहुत एक्साइटेड कर दिया है इस फिल्म को देखने के लिए। इसके डायलॉग्स फिल्म में आग लगाने वाले हैं और जितने भी रामायण से रिलेटेड सीन्स है जब भी वो कैरेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं वहां पर बवाल मचने वाला है इसके एक्शन के साथ। रोहित शेट्टी जानते हैं कि अपने एक्टर्स को कैसे प्रेजेंटेशन देनी है एक मास कमर्शियल सेटिंग में, और वो इस ट्रेलर में भी नजर आ रही है। सिंघम अगेन को ग्राउंडेड रामायण की थीम्स और अजय देवगन एंड करीना का रिलेशनशिप रखने वाली है। ट्रेलर में ऐसे कई सारे शॉट्स हैं जो कि कई सारे पैरेलल्स क्रिएट करती है जिनको देखकर मेरा दिल खुश हुआ है और वो एक होप देता है कि फिल्म थिएटर्स में आग लगाने वाली है। और इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इसलिए इसका रन टाइम भी क्लोज टू 3 आवर्स हो सकता है। फिल्म की एडिटिंग टाइट होनी चाहिए। स्पेशल मेंशन में देना चाहूंगा दया को, उसको देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। देखो सिंघम अगेन को बस अपनी स्टोरी एक्शन कॉमेडी को एंगेजिंग एंड एक एंटरटेनिंग फिल्म की तरह पैकेज करना है। अगर ये कर पाए तो और भी ज्यादा मजा आएगा। सिंघम अगेन अपने हीरोज के दम पे तो चल जाएगी अगर विलन वीक हुआ तो, लेकिन काफी कुछ डिपेंड करता है कि ये रामायण के फॉर्मेट को सीरियसली लेकर ये लोग इसको एग्जीक्यूट करे। और कोई तो रोहित शेट्टी को बोल दो कि ट्रेलर में सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, एंट्री शॉट से लेकर फिल्म की स्टोरी कैसी शुरू होगी और खत्म। तो आपको सिंघम अगेन का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन जल्दी आने वाला है इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ। और यहाँ पे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।